वेरी मच। तो गाइस आज की वीडियो में मैं बताऊंगा बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में, जिसमें जो है कौन कौन से जो सिलेबस होते हैं और इसका कटऑफ कितना तक जा सकता है। तो ले चलते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पर सारे डिटेल्स और वगैरह के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिंपली हम आ जाएंगे अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम वेबसाइट पे अपने आ जाएंगे। तो आने के बाद देख पा रहे हैं गाइस कि हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ओपन हो यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट सिलेबस पैटर्न और एक्सपेक्टिंग कट ऑफ कितना तक जा सकता है, तो हम इसके डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका डिटेल्स जो है देखने को जो मिल जाएगा यहाँ पे जो होता है सिलेबस पैटर्न के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ में जो है मैं कट ऑफ के बारे में भी बताऊँगा, और सिलेबस की जो है कितने मार्क्स के होते हैं, और उसके साथ साथ जो कितने क्वेश्चंस होते हैं और कौन कौन से जो है कैटेगरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसी चीज़ के बारे में सारा इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, तो आप लोग जो है जाके देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो वहाँ से आप चाहे तो फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, उसके साथ चाहे तो आप नोटिफिकेशन भी रीडिंग कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट सिलेबस पैटर्न 2022 कट ऑफ और 2022, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सारा बताते चलेंगे हम। देयर आर 4 स्टेज ऑफ बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन विच दैट बिलो द गिवन फ्लोइंग नाउ। यहाँ पे जो है फर्स्ट में जो होता है रिटर्न एग्जामिनेशन होते हैं, इसके 4 स्टेज होते हैं। और सेकंड में जो होता है पीएचडी या पीईटी टेस्ट, या तो इसको हम फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी बोलते हैं। और सेकंड और थर्ड में इंटरव्यू होगा, फिर आपका जो है फोर्थ में जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि 4 स्टेज आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आपका जो है बीएसएफ वगैरह में क्वालिफाइड हो पाता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे जो टफ इसमें होता है जो है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर इसमें अगर क्वालिफाइड हो जाते हैं तो इसमें आप तो क्वालिफाइड हो ही जाएंगे, लेकिन मेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल में जो है बहुत कम ही बंदे क्वालिफाइड हो पाते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी का सारा चीज़ जो है टेस्ट किया जाता है, टेस्टिंग होता है। आप लोग देख सकते हैं इसके कई सारे वीडियो मैंने क्रिएट किया हूँ अपने चैनल पे। अगर मैं बात करूँ रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में, तो रिटर्न एग्जामिनेशन कंपेरिजन सिंपली जो है 3 पेपर्स होते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन में। सब्जेक्ट नंबर ऑफ इक्वेशन कितना हुआ और नंबर ऑफ मार्क्स एंड ड्यूरेशन कितना हुआ। जो सब्जेक्ट जो होंगे इंटेलिजेंस टेस्ट एंड जनरल नॉलेज, इसके जो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के आएंगे, करो ये 1-1 मार्क्स के हैं। अब प्रोफेशनल स्किल्स की बात करूँ तो इसमें भी जो होता है 100 नंबर ऑफ इक्वेशन है, तो इसके जो टोटल मार्क्स है 100 ही, ये भी 1-1 मार्क्स के आएंगे। अगर मैं बात करूँ ईजी राइटिंग प्रेसिस राइटिंग एंड कंपेयर इसी के बारे में, तो सिंपली जो है 100 आएंगे, तो इसका भी 100 आएगा, इसका भी जो है 300 है, इसका भी 300 है, यानी कि 300 क्वेश्चंस 300 मार्क्स, यानी कि 1-1 मार्क्स का है। आपको 2 घंटे में एग्जामिनेशन आपको देना होगा और 120 मिनट में, तो ये सारा प्रोसेस है। अब मैं इसका जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अब आप वहाँ से जाके सारी डिटेल्स वगैरह जो है चेक कर सकते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन। अब फिर हम बात करेंगे जो एग्जामिनेशन फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में, आपको मैं बता दूँ कम से कम आप अच्छी तरह से आप इसका रिहर्सल वगैरह कर लें। तो कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ तो 100 मीटर का रेस जो है 16 सेकंड में कंप्लीट करना होगा मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 18 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। अगर मैं बात करूँ 800 मीटर का रेस जो होता है मेल के लिए जो है 3 मिनट 45 सेकंड कंप्लीट करना होगा, फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप आपको जो है 4 मीटर आपको मारना है, लड़कियों के लिए 3 मीटर मारना है लॉन्ग जंप जंप करना है। आपको जो है शॉर्ट पुट करना है आपका जो है 7.5 kg से लेके आपको इतना मीटर तक जो है 4.5 मीटर तक करना है लड़कियों का, इसमें कोई भी टफ कंडीशंस नहीं है। आप देख ही सकते हैं आप फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए, तो आपको ये भी रिहर्सल वगैरह करके जाए इसमें। यहाँ पे कट ऑफ के बारे में मैं यहाँ पे मिनिमम एक्सपेक्टिंग कट ऑफ के बारे में बता दूँ। यहाँ पे जो आउट ऑफ जो 300 मार्क्स है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, तो जनरल के लिए जो रखा गया है 130 से लेके 145 तक रखा गया है। ओबीसी के लिए जो होता है 125 से लेके 135 तक रखा गया है। एससी के लिए 100 से जो है 120 तक रखा गया है। एसटी के लिए 90 से
है 1-1 तक रखा गया है। यहीं पर जो है कट ऑफ है इसका, जो आउट ऑफ में आपको बता दूँ 300 मार्क्स है, तो मिनिमम कट ऑफ है एक्सपेक्टिंग में आप देख सकते हैं। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम गाइस मिलते हैं आपसे नए अपडेट और नए सिलेबस कंटेंट को लेके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।